Hey beautiful people, welcome back to my channel. I am Aditi and you can also follow me on Instagram if you want. I am back with another new video. So in this video, we are going to trying these Fevigril molded clay. So without any further delay, aaj ki video ko karte hain shuru. So we are going to use Fevigril molded clay in this video. So iske andar hame kuch aise do components milte hain. Un dono ko hame mix karna hota hai ek saath mein. Then our clay is ready and we are good to go. So I am dividing this video in three parts. So this is the first part in which I am making brush holder. In first part, I am sharing three ideas of brush holder. In first idea, I am making a bee. So जैसा process मैं video के अंदर दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही follow करते जाना है. And see, our first idea is done. First, and complete I am making the clay work, then start to paint. In second idea, I am trying to make a toothpaste bottle. The all ideas I'm sharing in this video are all amazing and easy to make. You all can try this at home. And let me in the comment section which idea you like the most. And please tell me आपको next video किस topic के ऊपर चाहिए, वो भी मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा. I definitely gonna try this out. Okay, let's enjoy the video. लेट्स मूव टू द थर्ड आइडिया एंड आई एम श्योर आपने ये सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ज़रूर देख लिया होगा. सो लेट्स रिक्रिएट दिस. तो ये बेसिकली एक स्नेक शेप ब्रश होल्डर है और आप इसको किसी को डराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. You can see मैंने इसको बड़े जुगाड़ से स्टेबल किया है. आप भी ऐसा जुगाड़ लगा के इसको बना सकते हैं. And our all three ideas are completed and it's time to apply gesso. So मैं एक एक करके सभी पे gesso की एक एक layer apply कर दूंगी. If you don't have gesso, you can also apply white acrylic color. सबसे पहले मैं यहाँ B को कलर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं light yellow का use कर रही हूँ. Then उसकी lines को बनाने के लिए black color का use कर रही हूँ. की eyes बनाएंगे, smile बनाएंगे and then उसके पंखों को बनाएंगे. ऐसे ही मैं बाकियों को भी कलर कर लूंगी. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ. एक्रेलिक कलर आर बेटर देन वाटर कलर. ये काफी ब्राइट एंड शाइनी होते हैं जो आपके आर्ट पीस को एक डिफरेंट ही लुक देता है. आफ्टर फिनिशिंग ऑल द कलरिंग आई लेयर ऑफ वार्निश. इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. इफ यू डोंट हैव वार्निश, यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ क्लियर नेल पेंट. ऑल्सो वर्क लाइक अ वार्निश. सभी पे एक एक लेयर वार्निश करने के बाद में दे आर रेडी. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस आइडिया, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. दिस पार्ट आई एम मेकिंग अ पेपर वेट एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ बुक मार्क. फर्स्ट आइडिया, वी हैव टू यूज अ आइसक्रीम स्टिक. आप चाहे तो कोई और भी स्टिक यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग अ चॉकलेट क्रम्पल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द आइसक्रीम. बिलीव मी, दिस लुक्स सो रियल. फॉर द सेकेंड आइडिया, हेयर आई एम यूजिंग अ लॉलीपॉप स्टिक एंड मैं यहाँ पे लॉलीपॉप जैसा ही कुछ बना रही हूँ. मैं यहाँ पे एक पिग बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाला है. एंड आफ्टर ऑल दैट आई एम अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जेसो विच इज़ ऑप्शनल. एंड आफ्टर ऑल दिस आई एम स्टार्ट कलरिंग. फॉर आइसक्रीम आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर, ब्राउन स्किन एंड लाइट येलो कलर. एंड फॉर द पिग आई एम यूजिंग पिंक कलर एंड लाइट पिंक कलर. And after adding all the details, I am applying a layer of varnish, which is completely optional. And our paperweight is ready. You can also use it as a bookmark. Finally, this is the last part of the video. In this part of the video, I am sharing pendant ideas and all the ideas so good and easy to make. You are gonna love all the ideas.
इन द फर्स्ट आइडिया आई एम मेकिंग आर डोनट, हुक को कर देंगे स्टिक एंड मूव टू द सेकेंड आइडिया। इसमें मैं एक छोटा सा फ्लावर बनाने वाली हूँ एंड लुक इट इज़ रेडी। प्लीज़ लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन आपको इन तीनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। द थर्ड आइडिया आई एम मेकिंग अ रेनबो, और ये भी आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं ज़रूर देख लिया होगा। तीनों को कर देंगे जैसो से कॉट। द बेस्ट पार्ट कलरिंग स्टार्ट। फॉर द डोनट आई एम यूजिंग ब्राउन एक्रेलिक कलर, लाइट पिंक एंड रेड, ब्लू एंड द लास्ट वन इज येलो एंड लुक आवर डोनट इज रेडी। और ये कितना यमी लग रहा है ना। सेकंड हम रेनबो को कलर करने वाले हैं जिसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है। फर्स्ट वन इज लेवेंडर, सेकंड वन इज मिंट, थर्ड वन इज लाइट पिंक एंड द फोर्थ वन इज लाइट येलो। द थर्ड आइडिया आई एम यूजिंग लाइट पिंक कलर एंड मिंट कलर। सारे पेंडेंट्स को चेन के अंदर डाल देंगे एंड आर ब्यूटिफुल क्यूट पेंडेंट्स आर रेडी। Hope you like this video. Okay, bye. That's it for the today's video. Hope you gonna like all the ideas. Comments में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और next वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी. So तब तक के लिए bye bye.